हमारे साथ संदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बजट इस बार आया है, किस तरह से आप इस बजट को देखते हैं? सबसे पहले हरियाणा टीवी का, जनता टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। बजट जो आया है वो काफी अच्छा बजट मैं कहूंगा इसको, क्योंकि इसकी आशा भी थी कि बहुत अच्छा बजट आएगा, क्योंकि इस समय हम लोग एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जो कोरोना की वजह से जो सबके ऊपर एक ये मुसीबत मैं कहूँगा आई हुई है, तो उसके लिहाज से उसको देखते हुए काफ़ी अच्छा बजट है ये। और 1.5 लाख करोड़ का बजट है, जिसपे कि मनोहर लाल खट्टर जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं हरियाणा के, उन्होंने ये बजट प्रेजेंट किया है। और उन्होंने कहा कि ये जो है मेन फोकस जो रहेगा वो हेल्थ, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीन चीजों के ऊपर मेन फोकस रहेगा। और अगर हम पिछले साल की तुलना में देखें तो इस बजट को लगभग 13% के करीब इसमें इजाफा किया गया है, बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल जो बजट था वो 1,37,738 करोड़ का था, और इस साल जो है ये 1,55,645 करोड़ का बजट इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो इस लिहाज से काफी अच्छा बजट है, बहुत वेलकम बजट मैं कहूंगा इसको। और आगे देखते हैं कि इसके सबसे जरूरी है कि इसकी जो बजट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी इसका फायदा जो है आम जनता को और सब परिवारों को मिलेगा। बिल्कुल संदीप जी। अच्छा, बजट के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर 50,000 नौकरी देने का लक्ष्य जो है वो तय किया गया है युवा को, इससे कितना फायदा पहुंच सकता है? नहीं, इससे काफी फायदा पहुंचेगा। इस समय जॉब्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, सभी राज्यों का यही हाल है, लेकिन हरियाणा का ये काफी अच्छा एक स्टेप है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एलोकेशन करा है हेल्थ के ऊपर, एग्रीकल्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे जो है जॉब्स में फर्क पड़ेगा, जॉब्स लोगों को मिलेंगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफी जॉब्स में फर्क पड़ेगा। संदीप जी, लेकिन मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये सरकार का अच्छा कदम है, ये पॉजिटिव साइन है, कहीं ना कहीं आगे चल के इसका फायदा भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसका काफ़ी विरोध भी हुआ। हमने देखा कि उद्योगपति जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार की ओर से रिजर्वेशन दिया गया है, इससे हमें नुकसान होगा और हमें एक अच्छे कैंडिडेट को का चयन करने में एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज भी बजट में इसका जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कहा कि 75% जो आरक्षण सरकार की ओर से दिया गया है, हम ये चाहते हैं, हमारा लक्ष्य ये है कि साल 2021 और 22 के जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें 50,000 जो नई नौकरियां हैं वो पैदा हों, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। तो सरकार के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती बनने वाली है? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार का फोकस प्राइवेट सेक्टर पर ही क्यों है, गवर्नमेंट सेक्टर पर सरकार का फोकस क्यों नहीं है? कि नौकरियां अगर प्राइवेट सेक्टर में पैदा करनी है तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी नौकरियां पैदा की जाएं। हाँ, बात ठीक है, क्योंकि अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट की भी डिसीजन आई थी कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इतना रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए इससे प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करनी पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर को। अगर वो रिजर्वेशन देता है तो उसके पास जो चॉइस करने का दायरा रहेगा वो बहुत सीमित रह जाएगा। उसके पास मतलब 75% तो उसको रिजर्व कैटेगरी में देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए उसकी जो है जो जॉब्स हैं उसकी मान लीजिए 60% रिजर्व में भर गई, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, भर गई, तो उसको 15% रिजर्व के लिए ही रखना पड़ेगा। अगर उसमें अगर उसकी नई पूर्ति हो पाती है तो भी 15% तो खाली रहेगा, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज आएगा। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि पूरा प्राइवेट सेक्टर को अगर
ये बांध देंगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी प्राइवेट चलिए सेक्टर को संदीप जी, ग्रो करने में। संदीप जी सवाल तो आपसे और भी करने थे लेकिन समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका और एक बार फिर से आप